हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर ए टी चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि शॉपसी पर बैंक अकाउंट ऐड कैसे करें, हाउ टू ऐड बैंक अकाउंट ऑन शॉपसी। दोस्तों, आप भी शॉपसी ऐप पर अपना बैंक अकाउंट को ऐड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कॉमेंट जरूर कीजिएगा, एंड आपने अभी तक आर ए टी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, शॉपसी ऐप में बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें शॉपसी ऐप को ओपन करना है। एंड यहां पर दोस्तों मैं शॉपसी ऐप को ओपन कर चुका हूं। एंड उसके बाद दोस्तों यहां पर हम राइट हैंड साइड में यहां पर देखेंगे तो यहां पर सबसे राइट हैंड साइड में यहां पर हमें अकाउंट सेक्शन पर क्लिक करना है। एंड अकाउंट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों अब यहां पर हमें काफी सारा ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों, शॉपसी ऐप में बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए यहां पर हमें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। एंड उसके बाद दोस्तों यहां पर हम देखेंगे तो यहां पर शॉपसी रीसेलर देख सकते हैं। एंड उसके नीचे में यहां पर मिलेगा माय बैंक डिटेल्स, तो अब यहां पर हमें माय बैंक डिटेल्स पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद दोस्तों अब यहां पर हमें ऐड अकाउंट पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहां पर दोस्तों अकाउंट होल्डर्स नेम, इस पर हमें क्लिक करना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जिसके नाम से अकाउंट ओपनिंग है उसका नाम यहां पर हमें डालना है। तो फटाफट से दोस्तों यहां पर मैं अकाउंट होल्डर्स नेम डाल देता हूं। तो यहां पर दोस्तों मैं अकाउंट होल्डर्स नेम डाल दिया हूं। एंड उसके नीचे में यहां पर हमें अकाउंट नंबर पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद दोस्तों जो भी हमारा अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर यहां पर हमें डाल देना है। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आपको यहां पर अकाउंट होल्डर्स नेम और आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर ये सारा कुछ आपको आपके पासबुक पर मिल जाएगा, वो आप अपने पासबुक से देख लीजिए। एंड उसके बाद यहाँ पर आप अकाउंट नंबर डाल दीजिए एंड यहाँ पर री अकाउंट नंबर डाल दीजिए। जो अकाउंट नंबर यहाँ पर डालेंगे वही अकाउंट नंबर को यहाँ पर डालना है। एंड उसके बाद यहाँ पर आईएफएससी कोड पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद आपके बैंक अकाउंट का जो आईएफएससी कोड है वो आईएफएससी कोड यहाँ पर इंटर करना है। तो फटाफट से दोस्तों यहाँ पर अकाउंट नंबर और यहाँ पर अकाउंट होल्डर्स नेम एंड यहाँ पर री अकाउंट नंबर एंड यहाँ पर आईएफएससी कोड, ये सारा कुछ मैं यहाँ पर फिल करता हूँ, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता देता हूँ। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर मैं ऑल डिटेल्स अपने पासबुक से देख करके यहाँ पर मैं फिल कर दिया हूँ। तो इस तरीके से आप अपने पासबुक से देख करके यहाँ पर ऑल डिटेल्स फिल कर दीजिए। एंड उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर हमें सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों हमारा बैंक अकाउंट शॉपसी ऐप में ऐड हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, एंड आपने अभी तक आर ए ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए ट्रिक के साथ। जब तक के लिए बाय।